हम लोग के पास चार फोटोज है, इसमें से ये रहा दो, तीसरा ये, चौथा ये भी है। सो मैं तीसरा वाला फोटो दिखाने वाला हूँ। सो हम लोग पहले फर्स्ट फोटो को Shutterstock music. लिप्स कलर चेंज करके देख लेते हैं ना। सब फर्स्ट में चलो कंट्रोल चेक करके हम लोग एक लेयर लेंगे, सेम लेयर, एक और लेयर लेंगे चेस्ट के लिए। उसके Shutterstock बाद हम music. लोग ब्रश टूल यूज करेंगे, ब्रश टूल। उसके बाद थोड़ा सा साइड एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा जूम करके पिक्चर को Shutterstock लिप्स में music. हम लोग थोड़ा बेंडिंग करेंगे। थोड़ा सा मैं वीडियो फास्ट बनाने वाला हूँ। Shutterstock music. और ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। वी हैव गो फॉर Shutterstock हॉरिजॉन्टल music. इवेंट रेजोल्यूशन चेंज करेंगे। आप लोग कोई भी कलर पसंद हो तो चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ब्लाइंडिंग मोड चेंज करेंगे। इसमें पता चलेगा आपको कौन सा वीडियो देख रहे हैं। इसमें भी एक्चुअली डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं। हम फर्स्ट मेथड यही दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ब्लाइंडिंग मोड चेंज करेंगे, बेटर दिख रहा है। सो देखिए रियलिस्टिक पास में थोड़ा सा कमजोरी दिख जाएगी। सो थोड़ा सा स्मॉल देखिए अभी इस लुकिंग सो बेटर। सो ये हम लोग देखते हैं इसका ये कंप्लीटली हो गया है। Shutterstock सो वी हैव गो फॉर इसके बाद अभी इसमें थोड़ा सा सोलह सा पतला हुआ है, पतला है, इसमें भी ग्रे कर सकते हैं। इसके लिए music. मैंने तीन पिक्चर लिया है। सो तीन फोटो में ऐसा कुछ दिखाने वाला हूँ। इसमें पतला है तो हम स्लोली सॉफ्टली कर सकते हैं। लिप्स पेंट करने का टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Shutterstock music. टीथ है ना, टीथ एरिया को थोड़ा सा ब्लर करना पड़ेगा, ब्लर जैसे मतलब थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा इसलिए उसमें, क्योंकि यूजिंग जेनरेशन एडजस्ट करने का टाइम पे हम लोग को Shutterstock यूजिंग जेनरेशन एडजस्ट करने का टाइम पे थोड़ा सा उसमें कुछ डिफिकल्ट दिखाई देता है। सो हम लोग कोई भी कलर ले सकते हैं। फिर भी ब्राउन पर्पल, सो रेड इसमें अच्छा दिख रहा है, रेड है, ब्राइट रेड अच्छा दिख रहा है। एक्चुअली इसमें थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। सो उसके बाद लेयर पे जाते हैं। लेयर के बाद ब्लाइंडिंग मोड चेंज करते हैं। देखिए अभी ये कितना अच्छा दिख रहा है इसके लिए। Shutterstock music. देखिए ब्लाइंडिंग मोड चेक कर सकते हैं आप लोग, सिर्फ हाउ टू नहीं, जस्ट चेक इट। Shutterstock music. कोई भी अभी कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर लीजिए, इसमें वैसा ही रहेगा कलर, सेफ रहे वैसा ही रहेगा, बट कलर चेंज होगा बस उतना। ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, फैन अप्लाई कर सकते हैं, लाइट अप्लाई कर सकते हैं, बस उतना ही, कुछ भी नहीं करना, इजी है। दूसरा वीडियो में बहुत सारा दिखाते हैं, मतलब ये लेयर वो लेयर पे जाना है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लाइंडिंग मोड चेंज करना है, इतना ही बस, इजी। अभी मैं पेन टूल के साथ आप लोग को दिखाने वाला हूँ, इसमें टीथ्स नहीं है, इसके लिए मैं आप लोग को पेन टूल यूज करके दिखाना है। पेन टूल से जैसे हम लोग कटअप करते हैं वैसे ही सिलेक्शन करना है। लेयर ले लेते हैं, एक उसी लेयर पे काम करना है हम लोग को। सो सिलेक्शन कर लेते हैं, सिर्फ लेफ्ट का इनसाइड पे इनर वेयर, इनर जो हम लोग सिस्टम का भाषा से बोलते हैं ना इनर वेयर, उसमें ही सिलेक्शन करना है। ब्लैक एरिया को थोड़ा सा, ब्लैक एरिया अंदर ही रहे, कंप्लीटली सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए अपना ओवरऑल को स्लोली करना है, कुछ भी कम थोड़ा कंप्लीटली करना है अच्छे से। सो अभी मैं इसमें पेंट करता हूँ। इसमें एक और
भी है, क्विक सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आउट हो जाए कंट्रोल एंटर प्रेस करके हम लोग सिलेक्शन भी कर लेते हैं, पेंट करते हैं। पेंट सिलेक्शन कर लिया तो इसका अंदर इनर वहाँ पर जाके थोड़ा सा ब्रश लाइक लगा लेते हैं, उसके बाद पेंट कर देते हैं। पेंट करने के बाद आप देखिए अंदर ही हो रहा है, आउटसाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर पे जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कोई अब नेक्स्ट दूसरा मैथर का वो लेयर पे डबल क्लिक करने के बाद हम लोग बस एक नया पैनल ओपन होगा। सो उसमें आप लोग कलर अप्स एंड डाउन्स मतलब थोड़ा डायरेक्शन बदल सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। कुछ भी देखिए अभी कुछ हो नहीं रहा है, सो दो मिनट अभी देखते हैं थोड़ा सा, थोड़ा अभी कुछ देख रहा है ना, देख कल देखिए मैंने पढ़ा दिया तो वो पेंट कम हो गया। सो थोड़ा इसमें थोड़ा सा कम करते थे, उसके बाद आज भी ऐसे टेस्ट कर लेते पहले वाला तरीका अच्छा था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें भी ब्लाइंडिंग मोड है, नहीं ये नहीं बोल सकते है इसमें भी। सो इसमें भी चूज कर लेते हैं एक बार कोई भी देख के कोई अच्छा लग रहा है, सो इसमें भी ब्लाइंडिंग मोड रहेगा इसमें भी। सो इसमें चूज कर लेते, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है क्योंकि इसमें से थोड़ा ब्लैक एरिया है ना, ब्लैक है इसके लिए थोड़ा वो दिख रहा है हम लोग, तो भी एडजस्ट कर लेते कुछ भी नहीं, जूम आउट करेंगे तो अच्छा दिख रहा है। फाइनली देख लेते थोड़ा सा इसका ऑपेसिटी चेक करने के लिए, ठीक है हम लोग अभी ये ओके हो गया है। सो आप लोग को हम लोग सिर्फ ब्लाइंडिंग चेंज करना है अभी, ठीक है इसमें थोड़ा सा अभी ब्लैक ब्लैक ग्रे आ गया है। सो ठीक है थोड़ा इंटरनेट अच्छा दिख रहा है, फिर भी कॉर्नर पे कुछ इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता। सो अभी देखिए जूम आउट करके देख लेते हैं एक बार,